गुड मॉर्निंग गाइस, गैस ख़त्म हो गई है आज हमारे यहाँ, तो हमारी मॉर्निंग आज ऐसे हुई है। पहले हमने चाय बना ली थी, फिर जब नाश्ते की तैयारी के लिए वापस आए, गैस ख़त्म तो नहीं हुई है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रहता ही है बट रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ा इशू हो गया है। जब तक रेगुलेटर परफेक्टली फिक्स नहीं होगा वो कैसे होगा। तो ये देखिए, ये देखिए ढंग से इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, टंकी समझ ही नहीं आ रहा। मेरी सब्जी कटी भी रखी हुई है कढ़ाई में, ऑलमोस्ट फ्राई हो गए थे सब आइटम पर बन ही नहीं पाई सब्जी। बट चाय पी ली हम लोगों ने और अभी हमने कंप्लेंट डाली है क्योंकि रेगुलेटर गैस वाला लगा के गया था, तो देखते हैं वो आता है फिर वो क्या बोलता है, क्योंकि उसने पता नहीं पिछली बार तो उसने ढंग से फिक्स कर दिया था लेकिन इस बार नहीं हो पाया, तो कुछ तो इशू है ही, देखते हैं क्या होता है। तो अब जब गैस आएगी तभी खाना बनेगा, सोच रहे हैं कुछ बाहर से मंगाएं खाने के लिए, तो समोसे कचौरी कुछ देखते हैं आइटम क्या मंगाते हैं उस हिसाब से फिर आज का दिन तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सुबह सुबह उठते ही सबसे बड़ी नीड होती है कि गैस चालू चाहिए हमें, उसी पे सब चीज़ें बनती है, पर आज नहीं बन पाई, क्या कर सकते हैं, बैड लक। सो गाइस, मम्मा का खाना रेडी हो गया क्योंकि वो जो गैस वाला इशू था ना वो सॉल्व हो गया। बाय चांस जब हम लोग वीडियो बना रहे थे ना तो भैया आ गए थे, और ये मम्मी की दाल रेडी है, वहाँ पे कैबेज की सब्जी, ये मेरी मम्मा किचन का टूर दे रही है, ये हमारे मग्स रहते हैं एंड ऑल ओवर पूरे किचन का व्यू देंगी मम्मी अभी। ये हमारी कबर्ड्स हैं, ये ऊपर वाली हैं, ये माइक्रोवेव है, ये लाइक माइक्रोवेव पूरा एरिया है, ये ऊपर वाली कबर्ड्स हैं, फिल्टर, गीज़र का मेरी मम्मा का भी यूज़। सो हे गाइस, ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, जैसा कि अभी आपने देखा मेरी मम्मी किचन में काम कर रही थी और यहाँ हॉल में बैठ कर मैं खेल रही हूँ। कमेंट करके बताना किस किस के पास सैंड है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।